upon a time, my management professor said me one thing, Deepak, life should be 3D. तो मैंने उनसे पूछा सर 3D का मतलब क्या होता है सर, कॉलेज के दिनों में थे सर, कुछ बड़ा स्क्रीन होता है उसको 3D कहते हैं सर, बोले कि नहीं, लाइफ हमेशा 3D होना चाहिए। पहला D का मतलब है D for dream, दूसरा D का मतलब होना चाहिए D for desire, और तीसरा D का मतलब होना चाहिए D for dedication। तो लाइफ शुड बी 3D। तो एक्चुअली आसपास में तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इतिहास लिख जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं इतिहास पढ़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इतिहास बनाते हैं, और जमाना हमेशा उन लोगों को याद रहता है जिन्होंने इतिहास बनाया है। तो ऐसा ही एक शख्स आज हमारे बीच मौजूद है, अवर ओन फैमिली मेंबर, अवर ओन सेंटर डायरेक्टर, वेरी लवेबल पर्सन, अवर ओन फैमिली मेंबर फॉर कर्नाटक बेलागवी। जोरदार तालियों के साथ में बोलाना चाहूंगा, जिन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के इतिहास के पन्नों पर अपना नाम ठोका है, मिस्टर प्रदीप शशाने। जोरदार तालियों के साथ प्रदीप जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। इट इज द मोस्ट प्राउडफुल मोमेंट ऑफ NBC, क्योंकि हमारे NBC के मेंबर जिन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे अपना नाम लिखा है। सर को फेलिसिटेट और कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए मैं बोलना चाहूंगा ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ NBC, अवर मोस्ट इंस्पिरेशन पर्सन अभिषेक जी। मैं अभिषेक जी को आवेदन करना चाहूंगा कि वो प्लीज स्टेज पे आए और प्रदीप जी को कॉन्ग्रेचुलेशन करें। जोरदार तालियां होना चाहिए। अक्सर हम सुनते हैं कि अगर आदमी के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है, तो कुछ भी कर सकते हैं। पर यह अकेले नहीं होता कि डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट विद सन ऐसा कभी हो सकता है, और इन्होंने करके दिखाया है। और सर मैं आवेदन करूंगा आपको, जो ये जो आपका अचीवमेंट है लफ्जों में आप ही बयां करें सर, मैं क्या बताऊं, आप ही बयां करें प्लीज। हेलो एवरीबॉडी, पहले तो मैं NBC का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस समय पर मुझे बुलाया और फेलिसिट किया। मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम कर्नाटका, मैं कर्नाटका से हूँ, मैं कर्नाटका से बेलगावी से हूँ, मैं मेरे स्टेट से कर्नाटका को बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि मेरी कर्मभूमि कर्नाटका है और मेरी जन्मभूमि भी कर्नाटका है, और मैं इस मोमेंट को इस शाम को जिस NBC टीम ने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं वेस्ट बंगाल की धरती को यहाँ से उनको भी नमन करता हूँ, क्योंकि वेस्ट बंगाल की धरती से ऐसे लोग यहाँ मेरे देश को उन्होंने दिए, लाइक सुभाष चंद्र बोस जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ऐसे और बिपिन चंद्र पॉल जी, जो स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ वेस्ट बंगाल से धरती से आए हैं, मैं उस धरती को भी प्राउड फील करता हूँ। ये जो मेरा रिकॉर्ड था जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, मैं तो NBC का मेंबर हूँ, मैं NBC की फैमिली से जुड़ा हूँ, पूरे 6 महीने के साथ मेरा ये प्लानिंग चल रहा था। जब मैंने मेरे वीडियोज नेशनल बोर्ड ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन को मैंने भेज दिए, तब उनमें 6 महीने तक मेरा रिकॉर्ड जो होल्ड पर रखा था, क्योंकि आप डायरेक्टली सन को देख रहे हो, अगर आपकी जब देखते हो ऑन लाइव रिकॉर्ड, अगर आपकी आंखों कुछ हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड के जो ह्यूमन राइट्स है वो हमारे ऊपर कंप्लीट कर गए, और हमारा जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का लाइसेंस है वो हमारा रद्द हो जाएगा। 6 महीने तक मैंने इनको रिक्वेस्ट किया, मेरा आई का स्कैनिंग किया, डॉक्टर का रिपोर्ट लिया,
को भेज दिया। भेज देने के बाद फिर उसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के चेयरमैन से मुझे बुलाया कि आप रिकॉर्ड बना सकते हो। रिकॉर्ड मैंने बनाया, बना के जो भारत का नाम जो है, ये जो रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड में किसी के नाम पे नहीं है, ये रिकॉर्ड ओनली वन माय इंडिया के नाम के, मेरे देश के नाम, भारत देश के नाम के ऊपर। और इस मन से आपको यही मैसेज देता हूं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। मुझे मालूम है यहां से बहुत से लोगों ने अवार्ड अचीव किए हैं, आपका स्ट्रगल मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे में दो सेंटर्स है बेलगावी में, एक खानापुर में एक और बेलगाव में है। जो स्ट्रगल आप करते हो मुझे पूरी तरह मालूम है, क्योंकि यहाँ तक आना, यहाँ से अवार्ड लेके जाना इतना इजी नहीं है। आपके सेंटर में क्या क्या मैनेजमेंट क्या क्या रहता है, मार्केटिंग प्लान्स क्या क्या रहते हैं। मैं भी मार्केटिंग प्लान्स करता हूँ, डेली मीटिंग्स करता हूँ मेरे स्टाफ के साथ। 5,000 किसने 5,000 पॉइंट्स किए, किसने 10,000 किए, किसने 20,000 पॉइंट्स किए। आई सैल्यूट यू ऑल, क्योंकि आपका जो स्ट्रगल है, आप जहाँ तक जो पहुँचे हो, इसके लिए मैं NVC से मेरे तरफ से आप सभी को शुभकामना देता हूँ। थैंक्स।